हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। कैसे बिना युद्ध लड़े भारत के अहम इलाकों पर कब्जा करना चाहता है चीन। चीन का वो जादुई हथियार जो भारत के लिए गंभीर खतरा है। क्यों बेहद खतरनाक मानी जाती है चीन की गुप्त आर्मी। आखिर क्यों चीन का ये जादुई हथियार भारत के लिए बन गया है सबसे बड़ी मुसीबत। चीन को पता है कि वो भारत से युद्ध नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत के पास 5 ऐसे खतरनाक फाइटर जेट हैं जो पल भर में चीन को घुटने पर ला सकते हैं। इसी कारण चीन अपने गुप्त आर्मी का सहारा ले रहा है। तो दोस्तों, चीन की आर्मी पीएलए के बारे में पूरी दुनिया को पता है, लेकिन चीन के पास एक और गुप्त आर्मी है। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग के कार्यकाल में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ये भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल चीन इस आर्मी के जरिए युद्ध नहीं लड़ती, बल्कि हर देश में घुसकर अपना एजेंडा चलाती है। चीन की शैडो आर्मी, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, ये केवल भारत को ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका और फ्रांस को भी परेशान कर रही है। ये भारत जैसे देशों के लिए तो खतरा है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी टेंशन बन चुका है। ऐसे समय में जब देश में लोकसभा चुनाव नजदीक है, बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, देश को चीन की इस गुप्त आर्मी से अलर्ट रहना होगा। क्या इस दिशा में मोदी सरकार ने कुछ एक्शन लिया है? इस आर्मी के जवान कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? इसमें कौन कौन होता है? चीन की शैडो आर्मी पर ताइवान एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश फाउंडेशन फॉर यूएस चीन रिलेशंस में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका से लेकर यूरोप और पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिशों के बीच चीन ने कनाडा के चुनावों में भी दखल दे दिया है। कनाडा की मीडिया की खबरों से कुछ खुलासे हुए हैं, जिनके बाद कनाडा के एक संसद ने वहां के चुनावों में चीन के दखल की बात कही है। इस बीच चीन के पास मौजूद एक जादुई अलादीन के चिराग की चर्चा जोर पकड़ रही है, जिसे उसने यूनाइटेड फ्रंट डिपार्टमेंट नाम दिया है। इसी का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी करता है। कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि कहा गया है कि चीन ने दुनिया भर में अवैध थाने खोल रखे हैं। अब दोस्तों, आप ये बोल रहे होंगे कि दूसरे देशों में भला चीन पुलिस स्टेशन कैसे खोल सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने ये अपनी शैडो आर्मी के जरिए किया है, और ऐसे थाने अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी मौजूद हैं। न सिर्फ अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में चीन के अवैध पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए इन रिपोर्ट्स पर नजर बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि हमें इन थानों के बारे में जानकारी है। निजी तौर पर चीन का हमारे देश के भीतर और न्यूयॉर्क जैसी जगह पर थाने खोलना बेहद आपत्तिजनक है। बिना किसी सूचना के ऐसा करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे में आप ही सोच लीजिए कि जब चीन न्यूयॉर्क जैसी जगह पर अपने पुलिस स्टेशन खोल सकता है, तो भारत के लिए ये कितने बड़े सिरदर्द की बात है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौर पर मुलाकात हुई थी। इसमें बताया गया कि दोनों पक्ष एलएसी गतिरोध को सुलझाने पर सहमत हुए। यहां दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि चीन उन देशों से बातचीत में दृढ़ और बलपूर्वक रणनीति अपनाता है जो उसके हितों के खिलाफ है। हालांकि ग्लोबल लेवल पर प्रभाव के लिए चीन यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है। शी जिनपिंग के शासन में इस यूनाइटेड फ्रंट के काम में बहुत तेजी आई है। 2017 में 19वीं पार्टी कांग्रेस में अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट के काम को एक जादुई हथियार बताया था जो चीन की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मिशन की सफलता के लिए एक व्यापक देशभक्त यूनाइटेड फ्रंट बनाना महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल्स पर यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट यानी यूएफडब्ल्यूडी को सपोर्ट देने को महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए जाते हैं। विदेशी प्रयासों में स्थानीय चीनी समुदायों का प्रभावित करना, चीनी प्रवासियों का लाभ उठाना और दूसरे देशों में स्कॉलर्स, पत्रकारों और नेताओं को लुभाना शामिल है, जिससे कि चीन की सकारात्मक छवि पेश की जा सके। भारत में भी दोस्तों अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरह से चीन ने अपने इस शैडो आर्मी के जरिए अमेरिका और कनाडा के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, ऐसे में दोस्तों भारत में भी ये डर सताया जा रहा है कि चीन अपने इस धूर्त रणनीति के जरिए भारत में भी चुनावों पर असर डाल सकता है।
लोकतांत्रिक देशों में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने जैसे उद्देश्यों को भी पूरा करने की चीन कोशिश करता है। अगर आपको एग्जाम्पल दें तो 2019 और 2022 में कैनेडा के फेडरल इलेक्शन में चीन के हस्तक्षेप के दावे किए गए। ऑस्ट्रेलिया के मसलों को प्रभावित करने के लिए CCP की कोशिशों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने दावा किया था। इसके अलावा चीनी छात्र UFWD के लिए बड़ा जरिया बनते हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। इन छात्रों को साथ ही चीनी छात्रों की गतिविधियों की निगरानी के साथ चीनी दूतावासों को जानकारी देते रहने का टास्क दिया जाता है। साथ ही ये दलाई लामा जैसी हस्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के काम में भी शामिल होते हैं। चीन का प्रभाव इस कदर फैल रहा है कि वो अब कुछ भारतीय प्रभावशाली लोगों और वीडियो ब्लॉगर से भी जुड़ने की कोशिश करता है। ये गुप्त एजेंट चीन घूमने का न्योता देते हैं। इसके जरिए भारत चीन संबंधों की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है। ये इस धारणा को बढ़ावा देता है कि चीन भारतीयों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। हालांकि सच्चाई बिल्कुल अलग है। वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है, सीमा पर गतिरोध पैदा करता है। हालांकि भारत ने इस दशा में सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। टिकटॉक जैसे विवादास्पद चीनी ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगाए। भारत में हुआवे के 5G टेस्ट को रोका गया। आने वाले चीनी इन्वेस्टमेंट की जांच को और भी ज्यादा बढ़ाया गया और भारत के विदेश मंत्रालय से चीनी पत्रकारों और स्कॉलर्स के लिए कड़े वीजा नियम लागू किए गए। चीन से बढ़ते तनाव और UFWD को लेकर बढ़ती आशंकाओं के बीच भारत ने चीन के बजाय ताइवान से मैंडरिन टीचरों की नियुक्ति की भी मांग की है। 2020 में गलवान झड़प होने के बाद से भारत में जनमत को प्रभावित करने की चीन की क्षमता काफी कम हो गई है। एक सर्वे किया गया जिसमें ये बदलाव सामने आया, जिसमें कि करीब 70% भारतीयों ने चीन के खिलाफ बातें की। भारतीय चुनावों में चीन के प्रभाव की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। हाल के दिनों में भारत सरकार ने चीन के कई वेबसाइट्स और एप्स को भी बुरी तरह से बैन करके चीनी अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया। साथ ही साथ दोस्तों, हाल के दिनों में भारतीय जनता भी चीनी सामान का बढ़ चढ़कर बॉयकॉट कर रही है और दोस्तों इससे भी चीन को बड़ा धक्का लगा है। चीन की ये खुफिया शेडो आर्मी भारत में कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।